नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं गदर 2 मूवी के बारे में। देखा जाए दोस्तों, गदर 2 मूवी को रिलीज़ होने में सिर्फ एक महीने का समय बाकी है। ये तो आप लोगों को मालूम है कि ये मूवी 11 अगस्त को रिलीज़ हो रही है, लेकिन इसी बीच एक बवाल मच गया है। अगर देखा जाए दोस्तों, इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं अनिल शर्मा, उनके ऊपर लगा दिए गए हैं बहुत ही गंभीर आरोप, और ये आरोप किसी और ने नहीं बल्कि इसी फिल्म की लीड रोल हीरोइन अमीषा पटेल ने लगाए हैं। अमीषा पटेल ने हाल ही में सोशल मीडिया में एक ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट शेयर किया, और उस पोस्ट पर उन्होंने लिखा है कि जब गदर 2 मूवी की आखिरी हिस्से की शूटिंग चंडीगढ़ पर चल रही थी तो मैनेजमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं थी। और आगे उन्होंने ये भी दावा किया है कि इस फिल्म के मेकअप आर्टिस्ट और कॉस्ट्यूम डिजाइनरों को भी सही फीस नहीं दी गई और उनको बकाया पैसा नहीं दिया गया। देखा जाए दोस्तों, ये जो सारी जिम्मेदारी होती है, ये जिम्मेदारी प्रोडक्शन हाउस की होती है, और आप लोगों को ये तो मालूम ही है कि गदर 2 मूवी को डायरेक्ट अनिल शर्मा कर रहे हैं, और ये मूवी जो है अनिल शर्मा के प्रोडक्शन हाउस में ही बन रही है। तो जाहिर सी बात है, इस बात की जवाबदेही अनिल शर्मा की ही बनती है। और जब उनसे इस बातों को लेकर के उनसे सवाल पूछे गए तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने साफ साफ ये कह दिया है कि अमीषा पटेल ने जो भी बातें कही हैं वो सारी की सारी बातें झूठी है। आखिर उन्होंने ये अफवाहें क्यों फैलाई मुझे नहीं पता। और आखिरी पर उन्होंने अमीषा पटेल के ऊपर एक तंज कसा, और तंज कसते भाई ये बोले हैं कि चलो अमीषा पटेल ने जो भी कहा इसके चलते कम से कम मेरे हाउस का नाम तो हुआ, ऐसी बात बोली। देखा जाए दोस्तों, गदर 2 मूवी रिलीज होने में अब सिर्फ एक महीने का समय बाकी है, ऐसे में ये सब बातें उठना क्या फिल्म के लिए सही है कि गलत, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और गदर 2 मूवी से जुड़ी या सनी देओल की मूवी से जुड़ी कोई भी बड़ी अपडेट आती है तो हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।